तपती धूप में माथे पर तुलसी, हाथों में भगवे कपड़े में लिपटी एक तारी और मन में केवल विठ्ठल रुक्माई का नाम। पंढरपुर के देवता विठोबा, जो भगवान श्री कृष्ण का ही एक रूप माने जाते हैं, इनकी भक्ति में लीन वारकरी समुदाय हर वर्ष करीब 250 किलोमीटर की पैदल यात्रा करता है। जब विठोबा की पालकी निकलती है तब पूरा महाराष्ट्र भक्ति के रंग में रंग जाता है। वारकरी समुदाय के प्रति महाराष्ट्र के हिंदू समाज में केवल प्रेम और आदर देखा गया है, परंतु उनका महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव हिंदुओं को एक करने में कैसे एक साइलेंट योगदान रहा, आइए जानते हैं। महाराष्ट्र में लोकसभा चुनावों से लेकर विधानसभा चुनाव तक का सफर भाजपा के लिए आसान नहीं था। धुले जैसे क्षेत्र में लोकसभा में भाजपा कांग्रेस से केवल 2600 मतों से हार गई, जबकि यही क्षेत्र में 2019 में 6 विधानसभा सीटों में 5 भाजपा के पास थी। लोकसभा हारने का कारण मतों का विभाजन, इसे विभाजन को कम करने का जिम्मा आरएसएस के साथ ही वारकरी कीर्तनकार और भजनकारों पर था, जिसमें उनके साथ 110 छोटे छोटे संगठन शामिल थे। गांव गांव में एकता का संदेश प्रवचन के पहले पारंपरिक पोवाड़ा और गीतों के जरिए दिया गया। इस एकता संदेश में मौलाना सज्जाद नोमानी ने भी एक बड़ा रोल प्ले किया। मौलाना के वायरल वो जिहाद के वीडियो गांव गांव तक पहुंचा और वारकरी समुदाय में भी पहुंचा, जिसने राहुल गांधी और शरद पवार की जातीय समीकरण और जिहादी मानसिकता को भी एक्सपोज किया। जातीय समीकरण के परे हर साल करीब 5 से 7 लाख वारकरी पंढरपुर की यात्रा में सम्मिलित होते हैं। इस समुदाय का इतना महत्व होने के बावजूद सरकार दर सरकार उनके उद्धार के लिए कोई काम नहीं कर सकी। 2017 में भाजपा के देवेंद्र फडणवीस पहले ऐसे मुख्यमंत्री बने जिन्होंने वारकरी यात्रा के दौरान पीने के शुद्ध पानी एवं सैनिटेशन की व्यवस्था के लिए आवश्यक कदम उठाए, जिसके बाद एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली सरकार ने मुख्यमंत्री वारकरी सांप्रदाय महामंडल की स्थापना की, जिससे 50 करोड़ का स्टार्टअप कैपिटल दिया गया। साथ ही हर दिंडी यानी कि ग्रुप को 20,000 रुपए के फंड की घोषणा की गई। महायुति सरकार के तहत जो वृद्ध वारकरी यात्रा में सम्मिलित होते हैं उनके लिए पेंशन स्कीम भी इंट्रोड्यूस की गई। संत तुकाराम के पदचिन्हों पर चलते हुए इस मॉडर्न डे भक्ति मूवमेंट का असर आप विधानसभा चुनाव के नतीजों में देख ही चुके हैं, जहां संभाजीनगर में कभी AIMIM के इम्तियाज जलील मेजॉरिटी में थे, वहीं अतुल सावे केवल 2000 मतों से जीते। इसी के साथ जहां शरद पवार और कांग्रेस कभी सोलापुर पुणे बेल्ट को अपना मानती थी, वहां भी उनकी करारी हार हुई। कारण हिंदू एकता का संदेश। विठ्ठल विठ्ठल करते करते वारकरियों ने एक ऐसा साइलेंट मूवमेंट चलाया कि जाति के परे जाकर हिंदुओं ने एक हैं तो सेफ हैं को अपनाया। इसे 21वीं सदी का भक्ति मूवमेंट नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे। आप अपना मत कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं और देखते रहें द पैम्फलेट। धन्यवाद।